हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पहले वाले वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। ये भी वीडियो उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। और जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। ये मेरा सॉरी, तो लाइक कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया, तो चलते हैं हमारी होम स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले अपना वही VN एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। VN एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ग्रीन ब्लू वाले आइकन पे टैप करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके जो आपको फ़ोटो एडिट करनी है वाली फ़ोटो को ले लेते हैं, जिसका स्टेटस बनाना है। लेने के बाद यहाँ से सबसे पहले इसका ओरिजिनल कोड 9:16 करके इसकी ड्यूरेशन को अपने इंक्रीज़ कर लेना है। मैं यहाँ पे 10 सेकंड के अराउंड ले रहा हूँ। उसको इंक्रीज़ करने के बाद नीचे यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे BG का ऑप्शन होगा, उस पर टैप करके इमेज पे जाके इसको यहाँ से 13 कर देना है। 13 करने के बाद डन करेंगे और जो हमारी भी फ़ोटो होगी स्क्रीन, उसके ऊपर टैप करेंगे और इसको यहाँ से कहीं पे भी हटा देंगे, बस हाइड कर देंगे। उसके बाद वाला स्टेप में आपको इंपोर्ट करनी है एक स्क्रीन। तो वो स्क्रीन जो जितना भी मटेरियल यूज़ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपको करना है फिट, फिट कर देना है दोस्तों। फिट करने के बाद इसकी जो ड्यूरेशन है वो इसको यहाँ से बढ़ा लेना है 1 मिनट। इसकी ड्यूरेशन को अभी इसके साथ जो जितनी हमारी वीडियो है उतना ही लंबा कर लेना है। ये हो गई, और सिंपली इसको यहाँ से अब एक्सपोर्ट कर देना है। उससे बहुत वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, जब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक भी जो बैठे हुए, सिर्फ लाइक कर दो यार, आपको कुछ नहीं लगता। बस आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिल जाता है कि हम भी, कि हमारे लिए लोग बैठे हुए हैं तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसको यहाँ से करेंगे सेव ओनली। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से दोबारा वही फ़ोटो को इंपोर्ट करना है उसी मेथड से। यहाँ से हमने फ़ोटो ले ली और उसका रेशियो भी हम रखेंगे 9:16, और इसकी भी ड्यूरेशन जो जो हमारे पहले वाली वीडियो की ड्यूरेशन थी उतना ही रख लेंगे। जी हो गई। उसके बाद आपको यहाँ से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका भी डाउनलोड लिंक। तो ये शेडो टाइप से हैं, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है और इसको यहाँ से कर देना है फिट। फिट करने के बाद अब आपको तो दोबारा इस पर क्लिक करके यहाँ से जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट करी थी उसको यहाँ पे दोबारा ले लेना है और इसको कर देना है यहाँ से फिल। फिल करने के बाद इसकी जो क्रोमा की होगी उस पर जाके इसको कर देना है इंटेंसिटी को 50, और इसको क्रीम कलर पे करके डन कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपका जो बैकग्राउंड होगा उस पर टैप करेंगे और उसको छोटा कर लेंगे, यहाँ से ऐसे इतना छोटा कर लेंगे। और जो ये वाली वीडियो रहेगी इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे, इतना इतना ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको एक इसकी वीडियो मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये जो हमारी टाइमलाइन होती है उसकी वीडियो है, इसको यहाँ से हम सबसे पहले इसकी ब्लेंडिंग को चेंज कर लेते हैं स्क्रीन। उसके बाद यहाँ से डन करते हैं। डन करने के बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं जिस हिसाब, जितना आपको रखना है उतना। रखने के बाद अब आपको इसके ऊपर लिरिक्स ऐड करने हैं, तो लिरिक्स आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग से लिरिक्स डाउनलोड किए थे तो उसको मैंने यहाँ पे लगाया है। तो लिरिक्स को लाने के बाद इसका भी ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर लेंगे स्क्रीन। डन करके इसको थोड़ा सा आगे करेंगे जहाँ तक हमारे दिखे लिरिक्स, इतना करके इसको यहाँ से बढ़ा देंगे, इतना हमने कर दिया और यहाँ पे लगा दिया डन। इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक लास्ट पार्टिकल्स वाली वीडियो होगी, वो वाली वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको यहाँ से फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसका भी ब्लेंडिंग मोड करके स्क्रीन करके डन। और हमारी वीडियो दोस्तों बन चुकी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे और उसी हिसाब से आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।